हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है जैसे कि हमने नाइन्थ क्लास की हमने फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर का हमने 1.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया था जिसके अंदर हमने उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो भी कम्प्लीट किया और साथ में उसके एग्जाम्पल्स और जो हमारी एक्सरसाइज थी 1.3 पॉइंट वहाँ तक कंप्लीट कर लिया है अगर आपने मेरी ये वीडियोस नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर की तो आप वहाँ पे जितनी भी इसकी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं आप वो देख सकते हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपको कोई भी वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ऑटोमेटिकली वहाँ से आपको नोटिफिकेशन आएगा कि नई वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड आई है और आपको देखनी है तो आप देख सकते हो ठीक है तो चलिए अब हम आज क्या करते हैं आज जो हमारा नेक्स्ट है नाइन्थ चैप्टर का सॉरी नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर में जो ल, नेक्स्ट एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड पहले उसका इंट्रोडक्शन ले, ले लेते हैं तो उसके अंदर पढ़ना क्या है हमें हमें पढ़ना है इसके अंदर रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन अब जो हम जिन रियल नंबर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो हैं हमारे पास रैशनल नंबर और इ नंबर जो स्पेशली इस जो चैप्टर है इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले किया है वो रैशनल नंबर और इ नंबर ने ही किया है सबसे ज़्यादा डिस्कस हमने इनके बारे में ही किया है ठीक है तो फिर अब हमें क्या करना है इन्हीं के बारे में कि इनको हम क्या है जो हमारी नंबर लाइन है उसके ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो देखना है और वो भी स्पेशली किस फॉर्म में देखना है कि जो डेसीमल एक्सपेंसन है हमारी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंसन है उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि अगर हम कोई चीज रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो तो हमें बहुत मुश्किल होता है लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना लेकिन जब हम उसको डेसिमल की फॉर्म में ले लेते हैं जैसे टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट सेवन टू पॉइंट नाइन ठीक है तो ये हमारे डेसिमल एक्सपेंसन ही है रैशनल नंबर की ठीक है और इरेशनल नंबर की भी ऐसे ही होती है बस वहाँ पे क्या है कोई चीज रिपीट नहीं होती बार बार मीन्स uh, उसका नॉन टर्मिनेटिंग होता है और वो आगे आगे चलती रहती है कुछ ना कुछ पॉइंट्स आगे न्यू आते रहते हैं उसमें ठीक है तो अब हमें क्या करना है उसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो अब एक नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो हमारे पास एक नंबर लाइन में क्या क्या नंबर प्रेजेंट होते हैं अगर मान लो यहाँ पे हमारा जीरो है ठीक है तो यहाँ पे हमारा वन टू थ्री फोर इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव तो मीन्स यहाँ पे ऐसे सो ओन इस साइड चलता रहेगा सो ओन इस साइड चलता रहेगा ये हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया होल नंबर रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि इसके अंदर जीरो भी इन्वॉल्व है ठीक है ये हमारे इंटीजर ही हो गए क्योंकि हमने नेगेटिव भी रिप्रेजेंट कर दिया नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो तो ये हमारे क्या बन गए यहाँ पे इंटीजर्स बन गए टोटल तो अब क्या है इसके अंदर ही हमारे रैशनल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं और इसके अंदर ही हमारे जो इरेशनल नंबर है वो भी एग्जिस्ट करते हैं तो मीन्स ये पूरी जो लाइन है ये किस को रिप्रेजेंट कर रही है ये हमारी जो रियल नंबर लाइन होती है उसको रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि हम यहाँ पे हर किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हमारे पास मान लो एक नंबर है जिसका डेसीमल एक्सपेंसन टू आया है ठीक है अगर हमें उसको इस में रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अब हमारे पास इतने तो मीन्स वो नहीं है कि हम बिल्कुल यहाँ पे एक एक पॉइंट का जैसे यहाँ पे टू है तो यहाँ टू पॉइंट वन टू पॉइंट थ्री टू टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट सेवन टू पॉइंट नाइन ऐसे बिल्कुल वन बाय वन हम वो करेंगे पॉइंट लगाएंगे ठीक है तो हम क्या अप्रोक्सीमेशन में लगाएंगे यहाँ पर जो पॉइंट लगाएंगे तो उसको उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमारे पास क्या होगा टू पॉइंट सिक्स और सेवन होगा जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर इसको टेन पार्ट में डिवाइड कर लें टू पॉइंट वन 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और छो, छोटा सा यहाँ पे कर लिया मान लो 2.9 तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसमें अगर हमें 2.6 ये 6.65 को अगर रिप्रजेंट करवाना है तो इसको रिप्रजेंट करवाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा पहले हमें क्या देखना चेक करना है यहाँ पे कि ये 2.6 से टू पॉइंट सेवन के बीच में एग्जिस्ट करेगी ठीक है तो अब हमें टू पॉइंट सिक्स लेना है पहले तो टू पॉइंट सिक्स हमारा कहाँ पे आएगा ये यहाँ पे है ठीक है और टू पॉइंट सेवन हमारा ये यहाँ पे है तो कहीं इसके बीच में ही एग्जिस्ट करेगा वो ठीक है तो मीन्स हम इसकी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारी जब हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट और प्रॉपरली नहीं लगा सकते जैसे कि हम यहाँ पे आपकी बुक में दिए हुए हैं ये एक्सपेंड करके देख रहे हैं उस चीज़ को लेंस की हेल्प से लेकिन इन्होंने पॉइंट को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है लाइन के ऊपर तभी ये इन चीज़ों को देख पा रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे जब कॉपी में इसको ड्रॉ करेंगे तो ऐसे नहीं कर सकते लेकिन अगर हम ग्राफ की हेल्प लें तो ग्राफ के अंदर तो ऐसे छोटी छोटी लाइनें बनी होती हैं तो वहाँ हम और भी ज़्यादा ईजिली इस चीज़ को रिप्रजेंट कर सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कितने भी आप यहाँ पे सोल्व करके देख सकते हो जो नंबर लाइन के ऊपर हम लगा सकते हैं और जो यहाँ पे बिल्कुल हम मैग्नीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारा नंबर है उसको नंबर लाइन के ऊपर तो इस प्रोसेस को हम प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं कि हम जितना ज़्यादा इसको डीपली ओपन करके देखें जैसे मैंने आपको जूम करके भी दिखाया था ऐसे करके ठीक है कि जितना ज़्यादा जूम करके देखेंगे तो ये हम क्या कर रहे थे इसको मैग्नीफाई करके और अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे कि हमारे जो पॉइंट है वो हम एग्जैक्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं तो मींस हमें यहाँ हम यहाँ और कै, कैसे कर सकते हैं इसको अगर और भी ज़्यादा क्लियर करना हो तो हम क्या करें ये ए लाइन हमने ड्रॉ कर ली हम क्या करते हैं सिर्फ ये वाला जो टू से थ्री है इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर टू से थ्री तक का पार्ट रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेंगे वही टेन पार्ट में डिवाइड तो ये टू पॉइंट वन टू पॉइंट टू टू पॉइंट थ्री यहाँ पे टू पॉइंट फाइव आएगा कहीं पर टू पॉइंट थ्री टू पॉइंट फोर टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट सिक्स टू पॉइंट सेवन टू पॉइंट एट टू पॉइंट नाइन और ये थ्री फिर उसके बाद जो हमारा टू पॉइंट फाइव तो ये था टू पॉइंट सिक्स ये था टू पॉइंट सेवन ये है तो अब इसके बीच में भी ऐसे ही हमारे पास क्या होंगे टू पॉइंट सिक्स वन टू पॉइंट सिक्स टू टू पॉइंट सिक्स थ्री टू पॉइंट सिक्स फोर मीन्स कहीं ना कहीं टू पॉइंट सिक्स 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 भी एग्जिस्ट करेगा इसके बीच में ठीक है और फिर उसके बाद भी हमारे पास फाइव है तो फिर वो क्या होगा टू पॉइंट सिक्स सिक्स टू पॉइंट सिक्स सिक्स के तो मिल गया हमें अब हमें क्या करना है टू पॉइंट सिक्स फाइव रिप्रेजेंट करना है तो अब क्या होगा टू पॉइंट सिक्स सिक्स और टू पॉइंट सिक्स सेवन के बीच में भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे टू पॉइंट सिक्स सिक्स वन टू पॉइंट सिक्स सिक्स टू टू पॉइंट सिक्स सिक्स थ्री 2.664, पॉइंट फिर हमारा ये मिलेगा हमें पॉइंट इसके अंदर ठीक है तो ये है हमारी प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन आपकी बुक में इसमें लेंस लगा के दिखाए हुए हैं जैसे कि हमें पता है लेंस की हेल्प से हम क्या करते हैं जो हमारी बिल्कुल छोटी सी चीज़ होती है उसको हम अच्छे से जूम करके देख सकते हैं थोड़ा बड़ा बड़ी फॉर्म में ठीक है तो इसलिए आपको रिप्रेजेंट कर रखे हैं अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल आपका इलेवन एग्जाम्पल उसके अंदर भी ऐसे ही हमें बोल रखा है कि विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइव पॉइंट थ्री सेवन बार ऑन द नंबर लाइन अप टू फाइव डेसिमल प्लेस ये भी हमें कहाँ तक रिप्रेजेंट करना है कि फाइव डेसिमल प्लेसेस के बीच में रिप्रेजेंट करना है तो मीन्स यहाँ पे भी हम स्टेप्स हैं जो वो रिपीट कर सकते हैं कैसे जैसे हमने पहले हमने चेक किया यहाँ पे कि हमने ये नंबर लाइन ले ली नंबर लाइन पे हमें पता लग गया कि ये टू और थ्री के बीच में है फिर हमने टू और थ्री के बीच में ले लिया तब हमें पता लग गया ये कि टू पॉइंट फाइव और टू पॉइंट सिक सेवन के बीच में है फिर टू पॉइंट सिक्स और टू पॉइंट सेवन के बीच में है अब हम क्या करें जो ये टू पॉइंट सिक्स और टू पॉइंट सेवन है इसको भी आगे विजुअलाइज कर सकते हैं जैसे हमने ये टू पॉइंट सिक्स ले लिया यहाँ पर और ये यहाँ जो लाइन बन गई है हमारी बन गई टू पॉइंट सेवन थोड़ा सा और लेंथी चौड़ा कर लेते हैं इसको लंबा ठीक है ये ऐसे तो अब हम क्या करेंगे इसमें भी आगे वैसे ही टेन पॉइंट्स हैं जो उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे हमारा टू पॉइंट सिक्स वन है यहाँ टू पॉइंट सिक्स टू है टू पॉइंट सिक्स थ्री टू पॉइंट सिक्स फोर टू पॉइंट सिक्स फाइव यहाँ पे टू पॉइंट सिक्स सिक्स टू पॉइंट सिक्स सेवन टू पॉइंट सिक्स एट टू पॉइंट सिक्स नाइन और ये टू पॉइंट सेवन अब हमें क्या चाहिए टू पॉइंट सिक्स सिक्स फाइव चाहिए तो अब ये तो सिक्स सिक्स आया ना अभी हम अभी हमें क्या फाइव भी चाहिए तो मीन्स अब हम क्या करेंगे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोबारा फिर एक्सटेंड करेंगे तो आगे हमारे पास जो पॉइंट बनेंगे वो ऐसे बनेंगे टू पॉइंट सिक्स सिक्स टू पॉइंट सिक्स सेवन अब इसके अंदर भी ऐसे ही डिवाइड करो यहाँ पे टू पॉइंट सिक्स सिक्स फाइव आएगा यहाँ पे टू पॉइंट सिक्स सिक्स वन यहाँ पे टू यहाँ पे थ्री मीन्स टू पॉइंट सिक्स सिक्स वन टू पॉइंट सिक्स सिक्स टू टू पॉइंट सिक्स सिक्स थ्री टू पॉइंट सिक्स सिक्स फोर टू पॉइंट सिक्स सिक्स फाइव टू पॉइंट सिक्स 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 टू पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन टू पॉइंट सिक्स सिक्स एट टू पॉइंट सिक्स सिक्स नाइन तो जो ये हमारा पॉइंट हमें मिला है वो बिल्कुल यहाँ पे हमारे कितने स्टेप्स के बाद मिला है हमें चार स्टेप के बाद मिला है कि पहले हमने टू और थ्री को रिप्रेजेंट किया फिर उसके बीच में भी हमने पॉइंट्स देखे फिर उसके बाद हमने जो जिन पॉइंट्सों के बीच में वो एक्जिस्ट कर रहा था उन पॉइंटों को दोबारा फिर एक्सपेंड किया फिर एक्सपेंड करके उनको उनके बीच में से भी एक पॉइंट निकाला जिनके बीच में वो एग्जिस्ट कर रहा था फिर वो दोबारा फिर वो पॉइंट्स लिए फिर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमारे वो पॉइंट है उसकी हमें विजुअलाइज फॉर्म मिली ठीक है तो ये था हमारा जो हमने कर लिया हमारा एक एग्ज़ैम्पल जो आपकी बुक में दे रखा है सिर्फ वो क्या था अंडरस्टैंडिंग के लिए था ये इंट्रोडक्शन था कि हम रियल नंबर पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन अब जो हमारे पास हैं वो क्या है अब हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल हैं मीन्स यहाँ पर इलेवंथ नंबर है लेकिन आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 पॉइंट थ्री सेवन बार फाइव बार हमें ये रिप्रेजेंट करना है अब ओ ऑन द नंबर लाइन अप टू फाइव डेसिमल और फाइव डेसिमल तक मीन्स कि यहाँ पे क्या है अभी तो टू डेसिमल है हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे फाइव डेसिमल बनाने पड़ेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको जो बार होता है इसका मतलब रिपीट हो रही होती है चीज़ तो फाइव पॉइंट थ्री सेवन 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 तो ये कितने हो गया हमारे डेसिमल के बाद फाइव नंबर हो गए वन टू थ्री फोर फाइव तो ये हमारा क्या हो गया अप टू फाइव डेसीमल प्लेस ठीक है अब उसके बाद ये हमें कहाँ रिप्रेजेंट करना है ये हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले तो हमें यहाँ से देखते हैं क्या पता तो लगा कि फाइव और सिक्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा तो पहली जो लाइन हम बनाएंगे उसके अंदर हम ऐसी लाइन बनाएंगे जिसके अंदर हमारे जीरो वन टू थ्री फोर यहाँ पे फाइव सिक्स ये एग्जिस्ट कर रहे हैं और इधर नेगेटिव टर्म्स हैं हमारी ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर हमने देखा कि हमारा जो ये पॉइंट है ये फाइव से और फाइव और सिक्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा फिर उसके बाद हमने क्या किया जो ये फाइव और सिक्स था इसको आगे एक्सपेंडिड फॉर्म में लिख लिया ठीक है और यहाँ पे ये हमारा फाइव और ये हमारा सिक्स तो इसके बीच में हमारे यहाँ पे फाइव पॉइंट फाइव एग्जिस्ट करेगा और इसके बीच में भी हम जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो यहाँ पे फाइव पॉइंट वन फाइव पॉइंट टू फाइव पॉइंट थ्री फाइव पॉइंट फोर फाइव पॉइंट सिक्स फाइव पॉइंट सेवन फाइव पॉइंट एट फाइव पॉइंट नाइन फिर उसके बाद हम हमें क्या देख हमने क्या देखा यहाँ पे फाइव पॉइंट थ्री है तो फाइव पॉइंट थ्री कहाँ पे है? ये है फिर इसका मतलब यहाँ से हमें पता लग गया कि ये फाइव पॉइंट थ्री और फोर के बीच में एग्जिस्ट करेगा ठीक है फिर हमने क्या किया यहाँ पे फाइव पॉइंट थ्री और फाइव पॉइंट फोर के बीच में इसको विजुलाइज़ किया तो यहाँ पे फाइव पॉइंट थ्री ले लिया और यहाँ पे जब एक्सपेंड किया तो फाइव पॉइंट फोर ले लिया फिर इसके बाद इसके बीच में पॉइंट रिप्रेजेंट किए तो यहाँ पे हमारा फाइव पॉइंट थ्री फाइव आएगा और यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो यहाँ पे फाइव पॉइंट थ्री वन फाइव पॉइंट थ्री टू फाइव पॉइंट थ्री थ्री फाइव पॉइंट थ्री फोर फाइव पॉइंट थ्री सिक्स फाइव पॉइंट थ्री एट ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया हमने तो अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमारे पास क्या था 5.37 था थ्री के बाद सेवन तो यहाँ पे आएगा हमारा 5.37 तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा वो आगे सेवन होना चाहिए तो फाइव तो ये है थ्री एट तो बड़ा हो जाएगा तो मीन्स इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा अब हम क्या करेंगे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो लाइन बनेगी 5.37 से 5.38 के बीच की अब यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे ही आएगा फाइव पॉइंट थ्री सेवन फाइव बीच में और यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और अब हमें क्या करना है यहाँ पे सेवन तक जाना है तो ये जो हमारी टर्म है ये फाइव पॉइंट थ्री सेवन फाइव है तो इसको हम लिख सकते हैं फाइव पॉइंट थ्री सेवन सिक्स फाइव पॉइंट थ्री सेवन सिक्स ये हमारी फाइव पॉइंट थ्री सेवन सेवन ये हमारी फाइव पॉइंट थ्री सेवन एट तो ह, अब हमें सेवन के बाद फिर सेवन आ रहा है यहाँ तो तो मींस यहाँ तक ये नंबर हो गया अब क्या है जो अन, हमारा आगे वाला पॉइंट है अगर नेक्स्ट सेवन को हम देखें तो वो इसके कहीं बीच में एग्जिस्ट करेगा तो अब हम इसको और इसको एक्सपेंड करेंगे ठीक है इन दोनों को एक्सटेंड करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 5.377 हमें क्या करना है फाइव डेसिमल तक करना है अभी तो हमारा थ्री तक कंप्लीट हुआ है तो दो स्टेप और और भी होंगे हमारे इसके अंदर ठीक है तो फाइव एट अब यहाँ पे भी ऐसे ही फाइव पॉइंट थ्री सेवन सेवन फाइव हो गया और यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये टेन ठीक है तो यहाँ फाइव पॉइंट थ्री सेवन सेवन फाइव ये सेवन सिक्स सेवन सेवन ये सेवन एट तो मीन्स फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में एग्जिस्ट करेगा हमारा ये पॉइंट हमारा फाइव पॉइंट थ्री सेवन 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 ये हमारा फाइव पॉइंट थ्री सेवन सेवन एट ठीक है तो अब इन दोनों पॉइंटों को हम दोबारा रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे जो ये लाइन हमारी रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक सेवन और, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक ये इसके बाद सेवन के बाद एक एट ठीक है तो अब ये लाइन बनेगी हमारी दोबारा मैंने इसी के अंदर चेंज कर दिया इसको ठीक है फिर उसके बीच में भी ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे सेवन सेवन फाइव और यहाँ सेवन 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 और यहाँ पे सेवन सेवन एट ठीक है तो अब हमने क्या देखा यहाँ पे फाइव डेसिमल तक हो गया तो हमारा बस ये पॉइंट हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था जो हमारा ये वाला पॉइंट यहाँ पे आया है फाइव पॉइंट थ्री सेवन 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 यही हमें यहाँ पे क्या करना था जो नंबर लाइन है उसके ऊपर रिप्रेजेंट करना था तो ऐसे करके हमारी यहाँ पर फाइव डेसीमल तक हमने ये कैलकुलेट कर लिया ठीक है तो अब जो यहाँ पर ये रिप्रजेंट कर लिया हमने इससे हमें क्या मिली कि यहाँ से हमने जो ये विजुअलाइजेशन का जो आ, हमने प्रोसेस यहाँ पे लगाई है कि हम क्या करें कोई भी दो नंबर है उनको अच्छे से एक्सटेंड करें और उनके बीच में हमारा जो नंबर है उसके पास हम फाइनली पहुँच चुके हैं ठीक है तो हमें यहाँ पे कोई यूनिक ही पॉइंट मिल जाता है जो इसको बिल्कुल प्रॉपरली रिप्रजेंट करता है तो ये वाली जो टर्म है ये टर्म हमारी किसके बीच में एग्जिस्ट कर रही है ये हम ये टर्म हमारी इसके बीच में एग्जिस्ट कर रही है जो हमने ये लाइन दोबारा बना ही देती हूँ मैं वो मैंने इसके अंदर ही इन्वॉल्व कर दिया था तो यहाँ पे क्या था हमारा फाइव पॉइंट थ्री सेवन सेवन और यहाँ था फाइव पॉइंट थ्री सेवन एट ठीक है तो फाइव पॉइंट थ्री सेवन सेवन था जो उसके बीच में हमारे देखो यहाँ पे ये यह जो लाइन है ये यह यहाँ पे इसके बीच में एग्जिस्ट करती है यहाँ को पॉइंट है हमारे पास फाइव पॉइंट थ्री सेवन सेवन जैसे ये फाइव पॉइंट थ्री सेवन सेवन फाइव है और ये यह यहाँ पे फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट थ्री सेवन सेवन सिक्स एट सिक्स सेवन एट नाइन तो यहाँ पे सेवन है यहाँ पे एट है और ये वाली जो लाइन है ये इसके बीच में एग्जिस्ट कर रही है और जो ये वाली लाइन है ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है जो ये वाली लाइन है ये इस इस इन दो पॉइंटों के बीच में है येज वाली जो लाइन है इन दो पॉइंटों के बीच में है और जो ये वाली लाइन है ये इन दो पॉइंटों के बीच में है ठीक है मीन्स तो यहाँ पे है क्या चीज़ है कि एक ही लाइन को बार बार एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि सिर्फ हम उस पॉइंट तक पहुँच जाएँ जो पॉइंट हमें चाहिए ठीक है तो ये था हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल था जो हमने यहाँ पर अच्छे से सोल्व कर लिया फिर उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे वो है विजुअलाइज थ्री थ्री पॉइंट सेवन सिक्स अगर हम यहाँ पे देखें तो थ्री पॉइंट सेवन सिक्स कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा थ्री पॉइंट पे गए हम तो यहाँ पे थ्री और फोर के बीच में एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा थ्री और फोर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो उसके लिए अब हम देखते हैं कि कैसे कौन कौन से स्टेप हमारे पास होंगे कितने स्टेप्स में वो हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा लाइन के ऊपर तो अब हमें जो रिप्रेजेंट करना है ये हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में दिया हुआ है जो ये इस क्वेश्चन का जो नाम है हमारा सॉरी जो एक्सरसाइज का नाम है वो वन पॉइंट फोर है और जो यहाँ पे नंबरिंग दे रखी है फर्स्ट क्वेश्चन की वो है हमारे पास थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फाइव ये रिप्रेजेंट करना है अब हमें लाइन के ऊपर तो पहले हम लाइन बनाएंगे एक ऐसी जिसके अंदर हमारे पास थ्री और फोर एग्जिस्ट कर रहे होंगे क्योंकि थ्री और फोर के बीच में एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे थ्री पॉइंट फाइव है यहाँ थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट सिक्स थ्री पॉइंट सेवन थ्री पॉइंट एट थ्री पॉइंट नाइन लेकिन अब हमें क्या चाहिए थ्री पॉइंट सेवन चाहिए ठीक है ये थ्री पॉइंट फाइव था थ्री पॉइंट सिक्स थ्री पॉइंट सेवन तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक्जिस्ट करेगा ये हमारा थ्री पॉइंट सेवन है और ये हमारा थ्री पॉइंट एट है अब हम क्या करेंगे जो ये लाइन ड्रॉ करेंगे वो थ्री पॉइंट सेवन और थ्री पॉइंट एट के लिए ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर यह थ्री पॉइंट सेवन फाइव है और ये यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अब हमें चाहिए थ्री पॉइंट सेवन सिक्स तो सेवन फाइव तो यहाँ सेवन सिक्स तो ये रहा थ्री पॉइंट सेवन सिक्स और ये थ्री पॉइंट सेवन सेवन तो अब क्या है अब ये इन दोनों पॉइंटों के बीच में एग्जिस्ट करेगी जो हम नेक्स्ट लाइन लेंगे वो इन दोनों पॉइंट के बीच में एग्जिस्ट लेंगे थ्री पॉइंट सेवन सिक्स और थ्री पॉइंट सेवन सेवन के बीच में ये हमारा थ्री पॉइंट सेवन सेवन फाइव सिक्स फाइव सॉरी क्योंकि यहाँ सिक्स है ना तो सिक्स फाइव आएगा सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव तो ये आ गया हमारा सिक्स फाइव जो बीच में एग्जिस्ट करेगा बिल्कुल तो बाकी हमें यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें तो यही नंबर चाहिए थ्री पॉइंट सेवन थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फाइव तो वही हमारा यहाँ पे हमें मिल गया तो हमें हमने जो विजुअलाइजेशन की जो प्रोसेस की है मैग्नीफिकेशन की ये हमने कितने पॉइंटों में कंप्लीट कर ली यहाँ पे तीन जो स्टेप हैं वो किए हमने फर्स्ट ज, हमने किस किस के बीच में किया थ्री थ्री और फोर के बीच में किया सेकेंड हमने थ्री पॉइंट सेवन और थ्री पॉइंट एट के बीच में किया और नेक्स्ट हमने थ्री पॉइंट सेवन सिक्स और थ्री पॉइंट सेवन सेवन के बीच में रिप्रेजेंट किया और उससे हमें यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो यूनिक मिल गया ठीक है फिर उसके बाद है हमारे पास ऐसे ही दे रखा है एक नंबर और जो हमारा क्या है यहाँ पे जो रैश रैशनल नंबर है उसका रियकरिंग हो रखी है यहाँ पे उसकी जो डेसिमल्स दे रखा है स्पेस जैसे डेसिमल एक्सपेंसन है उसका फोर पॉइंट टू सिक्स यहाँ पे टू सिक्स के ऊपर बार है मीन्स जो हम, हम अगर इसको लिखें तो टू पॉइंट सिक्स सिक्स टू पॉइंट सिक्स सिक्स टू पॉइंट सिक्स सिक्स सो ऑन चलेगा और यहाँ पे देखते ही हमें पता लग गया कि यहाँ पे क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है यहाँ पे हमारे जो क्यूसेंट के पॉइंट है वो दोबारा रिपीट होने लग रहे हैं टू सिक्स टू सिक्स तो इसका मतलब यहाँ पे रीअकरिंग हो रही है हमारी तो यहाँ पे रियकरिंग हो रही है तो इसका मतलब ये हमारा कैसा नंबर है कौन से नंबर की डेसिमल एक्सपेंसन है ये रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंसन है ठीक है अब जो ये है इसको भी हमें किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है लेकिन ये हमें क्या करना है अप टू फोर डेसीमल करना है फोर डेसिमल मीन्स टू सिक्स टू सिक्स तो यहाँ एस ये नंबर हमें यहाँ पे क्या करना है रिप्रेजेंट करना है ठीक है तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले क्या करेंगे हम फोर जैसे हमने हमने देखा यहाँ पे तो सबसे पहले हम फोर से फाइव के बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे हमारा फोर पॉइंट फाइव एग्जिस्ट करेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो यहाँ फोर पॉइंट वन फोर पॉइंट टू ये फोर पॉइंट थ्री तो अब हमें टू सिक्स चाहिए ना तो फोर पॉइंट टू तो मिल गया लेकिन सिक्स चाहिए तो अब वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा फोर पॉइंट टू और फोर पॉइंट थ्री के बीच में तो यहाँ पे फोर पॉइंट टू और फोर पॉइंट थ्री के बीच में जाएंगे हम यहाँ पे तो अब यहाँ फोर पॉइंट टू फाइव है तो फोर पॉइंट टू वन फोर पॉइंट टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स टू सेवन टू एट टू नाइन तो हमें चाहिए टू सिक्स तो यहाँ पे है हमारा टू सिक्स फोर पॉइंट टू सिक्स और ये है हमारा फोर पॉइंट टू सेवन अब हम क्या करेंगे फोर पॉइंट टू सिक्स और फोर पॉइंट टू सेवन के बीच का देखेंगे ठीक है तो नेक्स्ट जो हम लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे किसके लिए फ़ोर पॉइंट टू सिक्स और फोर पॉइंट टू सेवन के लिए अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे फोर पॉइंट टू सिक्स फाइव है हमें चाहिए फोर पॉइंट टू सिक्स टू तो टू तक जाएंगे हम यहाँ पे वन टू ठीक है ये आ गया हमारा फोर पॉइंट टू सिक्स टू और ये हमारा यहाँ पे थ्री है फोर पॉइंट टू सिक्स थ्री तो अब हम ड्रो करेंगे इन दो पॉइंटों के बीच में ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आएगा फोर पॉइंट टू सिक्स टू फोर पॉइंट टू सिक्स थ्री अब यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है फोर पॉइंट टू सिक्स टू सिक्स टू फाइव अब लेकिन हमें जान जाना किस पे सिक्स पे तो हम पीछे वालों को क्यों काउंट करेंगे हम फाइव के आगे काउंट करेंगे जैसे वन टू थ्री फोर फाइव ये सिक्स है हमारा तो यहाँ बन गया हमारा फाइव फोर पॉइंट टू सिक्स टू सिक्स तो ये है हमारा एग्जैक्ट नंबर जो हमें अप टू फोर डेसिमल रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन के ऊपर और ऐसे करके हम इसको फोर स्टेप्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है तो अब उसके बाद ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसके अंदर हमने क्या किया जो हमारे रियल नंबर थे उसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया स्पेशली जो डेसिमल एक्सपेंसन दे रखी थी ठीक है उनको लेकिन अब जो हमारे पास ये आपकी एक्सरसाइज जो 1.4 है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है अब जो आगे हैं हमारे पास यहाँ पे वो है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के पास मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि सब इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें ठीक है और मुझे भी जो फॉलोइंग है मेरी भी वो भी बढ़ जाए और मैंने अभी नया पेज चैनल पेज बनाया है फेसबुक पेज स्टडी लवर मीना के नाम से ही अगर आपने मेरे वो मेरा वो पेज अभी तक विजिट नहीं किया तो आप उसको विजिट कीजिए उसको फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए वहाँ पे मैं जो भी वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ उनको अप उनकी जो लिंक है वहाँ पे भी पोस्ट कर देती हूँ अगर आपको वहाँ से भी कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी ही ठीक है तो आप उसको भी फॉलो कीजिए और ये थी हमारी 1.4 एक्सरसाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम 1.5 एक्सरसाइज और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय ऑल द बेस्ट